हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेसिक मैथ समझेंगे। अगर आपका बेसिक मैथ बिल्कुल ही कमजोर है, बिल्कुल ही जीरो है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपका बेसिक मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आपको थंबनेल पर जो टॉपिक दिख रहे हैं, उन सभी टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जोड़ करना सीखेंगे। तो जोड़ को इंग्लिश में हम एडिशन कहते हैं। हमारी संख्याएं, इनको हमें जोड़ना है। जोड़ को हमेशा इस तरफ से इस तरफ के लिए जोड़ती हैं। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है, तीन। इसमें हमें कितना जोड़ना है, पांच। या तो आप उंगली पर भी जोड़ सकते हैं, या आप लाइन खींच के जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लाइन खींच के जोड़ के सीखना सीखेंगे। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है, तीन। तो पहले हम तीन लाइन खींच लेंगे, एक दो तीन। अब इसके नीचे संख्या हमारी क्या रखी है, पांच। तो इसके बाद हम पांच लाइन और खींच लेंगे, एक दो तीन चार पांच। अब जो हमने लाइन खींची है, इनको हम गिनेंगे। तो यहाँ तक हमारी लाइन कितनी है, तीन। तीन से गिनेंगे, चार पाँच छ सात आठ। तो जब हम तीन और पाँच को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आठ आएगा। इसी प्रकार हम इन संख्याओं को भी जोड़ेंगे। यहाँ संख्या हमारी क्या है, नौ, और यहाँ संख्या हमारी क्या है, चार। तो दोस्तों, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। यहाँ संख्या हमारी नौ और चार, इसमें से हम बड़ी संख्या को छोड़ देंगे। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, नौ, इसको हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद हमारी संख्या क्या है, चार। तो पहले हम चार लाइन खींच लेंगे, तो एक दो तीन चार। अब हम क्या करेंगे, नौ से गिनेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या क्या थी हमारी, नौ। नौ से दस ग्यारह बारह तेरह। जब हमने नौ और चार को जोड़ा तो कितना आया है, तेरह आया है। अब हमको ये नहीं समझ आ रही तेरह कि हम तीन लिखे या एक लिखे हैं। तो दोस्तों, जो संख्या हमारी जुड़कर आती है उसका इकाई अंक लिखते हैं। तो तेरह का इकाई अंक क्या है, तीन। तो यहां लिखेंगे हम तीन। अब जो संख्या हमारी एक बची है, इसका हम क्या करें, तो इसको हम लेंगे हम हासिल के रूप में। तो इसको उठा करके रख देंगे हम इसके ऊपर। तो जब हम सात में एक जोड़ेंगे तो संख्या यहाँ क्या आएगी, आठ, और आठ पहले से ही है। तो आठ आठ को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सोलह। तो सोलह का इकाई अंक क्या है, छः। तो यहाँ लिखेंगे हम छः। जो संख्या हमारी एक बच रही है, इसको उठा करके क्या रख देंगे हम, यहाँ। सात में हम एक जोड़ेंगे तो आठ। तो यहाँ तक हमारी संख्या क्या आएगी, आठ। अब इसमें हमें पाँच और जोड़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पाँच लाइन खींच लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब आठ से गिनेंगे, आठ से नौ दस ग्यारह बारह तेरह। दोस्तों, लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, तो तेरह की तेरह। तो इस प्रकार हम जोड़ करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम घटाना करना सीखेंगे। तो दोस्तों, घटाने में हमारी संख्या दी है, इस संख्या में, तो हमें इस संख्या को घटाना है। हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो घटाना को इंग्लिश हम सबट्रैक्शन कहते हैं। तो घटाना को भी हम इस तरफ से इस तरफ के लिए जोड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ संख्या हमारी क्या है, तीन। क्या हम तीन में से नौ को घटा सकते हैं, क्योंकि तीन के नीचे क्या लगी, हमारी संख्या नौ। तो तीन में से हम नौ को कभी नहीं घटा सकते, क्योंकि तीन एक छोटी संख्या है, नौ एक बड़ी संख्या है। जब हमारी ऐसी संख्या होती है, तब हम क्या करते हैं, तब हम हासिल लेते हैं। तो तीन को हम क्या मान लेंगे, तेरह मान लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम तीन को क्या मान लेंगे, तेरह मान लेंगे। अब तेरह में से हम नौ को आसानी से घटा सकते हैं, क्योंकि यह अब नौ से बड़ी संख्या हो गई। तो पहले हम क्या करेंगे, तेरह लाइन खींचेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। इसमें से हमें कितना कम करना है, नौ कम करना है। तो इसमें से हम नौ लाइन हटा देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब हमारी कितनी लाइन बची है, एक दो तीन चार। तो यहाँ कितना आएगा, चार। अब दोस्तों, जो हमने हासिल ली उसको हम वापस करेंगे। तो इस संख्या में हम जोड़ेंगे, तो नौ में हम एक जोड़ देंगे तो हमारी संख्या कितनी जाएगी, दस। तो क्या हम सात में से दस को हटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, क्योंकि दस बड़ी संख्या है, सात छोटी संख्या है। तो अब हम हासिल फिर लेंगे, तो सात को हम क्या मान लेंगे, सत्रह। अब सत्रह संख्या हमारी दस से बड़ी आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, सत्रह लाइन खींच लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह।
इसमें समय कितना कम करेंगे, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारी कितनी लाइन बची है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ कितना आएगा, 7। अब जो हमने आंसर ली इसको हम किस में जुड़ेंगे, 7 में, तो ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 8। क्या हम 4 में से 8 को हटा सकते हैं, नहीं घटाएंगे, तो हम 4 में एक आंसर ले लेंगे, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 14। 4 को हम क्या मान लेंगे, 14। 14 में से अब हम 8 को आसानी से घटा सकते हैं, तो पहले हम 14 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें से कितना कम करेंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारी कितनी लाइन बची है, 1 2 3 4 5 6। अब जो हमने एक आंसर के लिए इसमें जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे हम, 4 में, तो संख्या यहाँ कितनी आएगी हमारी, 5। अब हम 9 में से कितना माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, तो 9 में से 5 हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 9 बड़ी संख्या है, 5 छोटी संख्या है, तो पहले हम क्या करेंगे, 9 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से हमें कितना कम करना है, 5। 1 2 3 4 5, हमारी कितनी लाइन बची है, 1 2 3 4। तो दोस्तों इस प्रकार हम घटाना हल करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम गुणा करना सीखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा गुणा दिया है, गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं, तो ये हमारी संख्या है और इस संख्या से हमें इस संख्या में गुणा करना है, तो पहले हम 0 से इन सभी संख्या में गुणा करेंगे। दोस्तों हम किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो संख्या 0 हो जाती है, तो यहाँ हमारी संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ हम 4 0 लिखेंगे, 1 2 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, अब हम 2 से इन सभी संख्या में गुणा करेंगे, तो पहले हम 2 का गुणा किससे करेंगे, 0 से, तो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा 0 से करने पर वह संख्या 0 हो जाती है। अब हम 2 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब हम 2 का गुणा किससे करेंगे, 4 से, तो 4 दुनी कितना होता है, 8। इसके बाद हम 2 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, तो 3 दुनी 6। अब गुणा के चिन्ह इससे एक बड़ा करके लगाएंगे, तो पहले हमने चिन्ह कितना कितने लगाए थे, 1, अब कितने लगाएंगे, 2, 1 2, 1 से गुणा करेंगे तो सभी संख्या हमारी जो संख्या दी है वही संख्या आ गई, तो 0 की 0, 2 की 2, 4 की 4 और 3 की 3। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, तो 0 की 0, 0, 4, 8 और 2 को जोड़ेंगे 10, 10 की 0, आंसर की 1, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 की 1, आंसर की 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो दोस्तों इस प्रकार हम गुणांक हल करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम भाग करना सीखेंगे। तो दोस्तों हमारा भाग दिया है 2 का और हमें इस संख्या में भाग देना है। हम भाग को इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं, तो ये हमारी संख्या क्या है, 785। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 का भाग हम किस में देंगे, पहले हम 7 में देंगे। तो दोस्तों 2 का भाग हम ऐसा पढ़ेंगे जो 7 से ज़्यादा नहीं जाए, अगर हमें बराबर संख्या मिल रही है तो उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी बड़ी संख्या को नहीं लिखेंगे। तो 2 का भाग पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 8 संख्या हमारी क्या आ रही है, 7 से बड़ी आ रही है, तो फिर 8 को नहीं लिखेंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 2 तीन 6 लिखेंगे। 6 हम क्यों लिख रहे हैं, जब हमने 2 का पढ़ा, हमने 3 बार पढ़ा है तब लिख रहे हैं। इसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, उतारा हम किसका लेंगे, 8 का, संख्या बन गई हमारी 18। अब हम 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे, या तो संख्या हमें 18 मिल जाए, लेकिन हम 18 से बड़ी संख्या नहीं लिख सकते, अगर हमें संख्या 18 नहीं मिल रही तो फिर हम क्या करेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे। तो जब हम 2 का पाठ हम 9 बार पढ़ते हैं तो कितना मिलता है हमें, 18, तो हम बराबर संख्या को लिख सकते हैं, तो 18 की 18 हमें संख्या कम मिली है जब हमने 2 का पाठ 9 बार पढ़ा है।
अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 18 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। अब उतारा हम किसका लेंगे, 5 का। अब हम 2 का पार ऐसा पढ़ेंगे जो 5 से ज़्यादा नहीं जाए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, द्वितीय 6, द्वितीय 6 संख्या हमारी 5 से बड़ी आ रही है, तो फिर हम 6 को नहीं लिखेंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 6 से पहले हमारी संख्या क्या आई थी, 4, तो 4 को लिखेंगे। 2 का पार हमने कितनी बार पढ़ा है, 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2। इसको माइनस करेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। अब यहाँ कोई संख्या बची है, नहीं बची है, तो 1 हमारा क्या रहेगा, शेषफल। और दोस्तों ये हमारा क्या है, भागफल। तो इसके बाद हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम को हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, और इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हमारी संख्या दी है 4, 6 और 8, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इन संख्या को लिख लेंगे, हमारी संख्या क्या है, 4, 6 और 8। एलसीएम निकालने के लिए हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी संख्या हमारी 2 से कट जाएंगी। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3। 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे 4। जब तक संख्या हमारी 2 से कटेगी तब तक हम 2 से भाग देते ही रहेंगे। अब भी संख्या हमारी 2 से ही कट रही है, 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार। क्या 2 का भाग 3 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 3 की 3 लिख लेंगे। लेकिन हम 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। अब भी संख्या इसमें हमारी 2 से ही कट रही है, क्या 2 से कटेगी, पहले 1 आ गया तो 1 ही 1 लिख लेंगे। क्या 2 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 3 की 3 लिखेंगे। लेकिन हम 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब यहाँ सिर्फ 3 संख्या बची है, तो 3 हमारी संख्या 3 से ही कटेगी, 1 की 1, 3 एकम 3, 1 की 1। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को हम गुणा करेंगे जिससे हमें एलसीएम मिलेगा। तो 2 2 के अंक हमारे कितने हैं, 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 का अंक हमारा क्या है, 1, तो इनका गुणा करेंगे हम, 2 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 4, 4 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 4 2 8, और 8 का गुणा हम 3 से करें तो 38 24। तो 24 हमारा क्या आया है, एलसीएम आया है। तो इस प्रकार हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम एचसीएफ करना सीखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी संख्या है, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो संख्या हमारी 4, 6, 8। एचसीएफ को हिंदी में हम महत्तम समावर्तक कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमारी संख्या क्या है, 4, 6, 8। तो एचसीएफ पहले मैं आपको गुणनखंड विधि से सिखाऊंगा, इसके बाद मैं आपको भाग विधि से सिखाऊंगा, दोनों तरीके से बताऊंगा। तो पहले मैं इन संख्याओं को लिख लूंगा, हमारी संख्या क्या है, 4, 6 और 8। गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसी संख्या चुनेंगे जिस संख्या से ये दी गई संख्या पूरी तरह कट जाए। एक ही संख्या से जैसे हमारी 1 से 4 भी कट जाए, 6 भी कट जाए और 8 भी कट जाए, जैसे हमारी 2 से 4 भी कट रही है, 6 भी कट रही है, 8 भी कट रही है, तो 2 से हम काट सकते हैं, हम 3 से नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि 3 से सिर्फ 6 कट रही है, 3 से 4 भी 4 नहीं कट रही है, 8 नहीं कट रही है। हमें ऐसी संख्या की जरूरत है जिस संख्या से जो संख्या दी है वो पूरी तरह कट जाए। तो 2 से हमारी सभी संख्या कट रही है, तो 2 से हम भाग दे सकते हैं। तो 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार। अब दोस्तों इसके बाद हमारी कोई संख्या ऐसी है जो तीनों संख्याओं को काट सकती है। जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट रही है लेकिन 3 नहीं कट रही है, तो 2 को हम छोड़ देंगे। हमें ऐसी संख्या की जरूरत है जिस संख्या से पूरी तीनों संख्या कट जाए। 3 से भाग देंगे तो 3 से सिर्फ 3 ही कट रही है, तो 3 को भी छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को एक साथ काटे, सिर्फ एक को छोड़कर। जब हम 1 से भाग देंगे तो संख्या हमारी बैगी भी आ गई, 2 की 2 आ गई, 3 की 3 आ गई और 4 की 4 आ गई।
अब इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब जिन संख्या से हमने भाग दिया है उनको हम गुणा करेंगे, तो 2 × 1 कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 हमारा क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालते हैं। चलिए दोस्तों अब हम भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो संख्या हमारी क्या है, 4, 6, 8। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हम कोई 2 संख्या चुन लेंगे, तो 2 संख्या हमारी इसमें से हम उठा लेते हैं 4 और 6 को। अब इसमें छोटी संख्या क्या है हमारी 4 और बड़ी संख्या क्या है 6, तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या हम भाग देंगे, तो 4 का भाग हम किस में देंगे, हम 6 में। जब हम 4 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 1 बार, 4 × 1 = 4। इसको माइनस करेंगे, 6 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब जो हमारा शेषफल आया है इसका भाग हम किस में देंगे, हम 4 में, क्योंकि शेषफल हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 2 बार 2 = 4। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। लेकिन दोस्तों अभी क्या है, हमारी इको संख्या रह गई है, अब हमारी संख्या क्या रह गई है, 8। तो इस 2 से हम चेक करें क्या 8 में भाग देने पर भी हमारा शेषफल 0 आ रहा है, तो 8 यहां लिखेंगे और हम भाग देंगे किससे, 2 से। तो 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है, 4 बार, यहां कितना आएगा, 8। 8 में से 8 माइनस करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। तो हमें शेषफल 0 कौन सी संख्या दे रही है, 2। तो जो संख्या हमारी शेषफल 0 देती है वही हमारा एचसीएफ रहता है। तो हमारी संख्या 4, 6 और 8, इसका एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ निकल गया है हमारा 2। तो इस प्रकार हम भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद हम भिन्न करना सीखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी भिन्न है, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, जो ऊपर की संख्या होती है उसको हम अंश कहते हैं और जो नीचे की संख्या होती है उसको हम हर बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी बट्टे की संख्या है उनको हम एलसीएम लेंगे। तो बट्टे की संख्या हमारी कौन कौन सी है, 3, 4 और 6। 3, 4 और 6 इनका पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे। क्या 2 का भाग 3 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 3 × 3। लेकिन हम 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। अभी संख्या इसमें हमारी 2 से कट जाएगी। क्या 2 से 3 कट रही है, नहीं कट रही है, तो 3 × 3। लेकिन हम 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार। क्या 2 से 3 कटेगी, नहीं कटेगी, 3 × 3। यहाँ 3, यहाँ 3, तो 3 3 से ही कटेगी, 3 × 3, 1 × 1, 3 × 3। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को गुणा करेंगे। तो संख्या हमारी आई है 2 × 2 × 3, तो 2 × 4 = 12। तो 12 हमारा क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं, तो यहाँ हमें एलसीएम कितना मिला है, 12 मिला है। ऊपर संख्या हमारी क्या है, 2, तो 2 × 2 लिख लेंगे। 2 के नीचे संख्या हमारी क्या है, 3, तो इस 3 का भाग हम किस में देंगे, 12 में, तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार, तो 4 का इसमें हम गुणा कर देंगे। प्लस लगी तो प्लस लगाए देंगे, यहाँ संख्या हमारी क्या लगी है, 5, तो 5 की 5 लिख देंगे। 5 के नीचे संख्या हमारी क्या है, 4, तो 4 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे। माइनस लगी तो माइनस लिख देंगे, यहाँ संख्या हमारी क्या है, 7, तो 7 की 7 लिख देंगे। 6 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 × 12, अब दोस्तों यहाँ बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, पहले प्लस करें या गुणा करें। तो अगर हमारा प्लस का चिन्ह दिया है और गुणा का चिन्ह दिया है, तो इनमें हम पहले कौन से चिन्ह को सॉल्व करें, तो इनमें हमेशा हम पहले गुणा के चिन्ह को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस के चिन्ह को सॉल्व करते हैं, और सबसे लास्ट में करते हैं हम माइनस के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। सबसे लास्ट में हम किस चिन्ह को सॉल्व करते हैं, माइनस के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे।
चार का गुणा हम दो से करेंगे तो चार दुनी आठ, पहले हम गुणा के चिन्ह को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस की प्लस लिखेंगे। पाँच गुणा हम तीन से करेंगे तो पाँच तीन पंद्रह, माइनस की माइनस। सात गुणा हम दो से करेंगे तो चौदह। अब इनमें हम यहाँ प्लस या माइनस, तो इनमें हम सबसे पहले कौन से चिन्ह को सॉल्व करेंगे, प्लस के चिन्ह को। बारह की बारह, पंद्रह में आठ जोड़ेंगे तो कितना आएगा तेईस, माइनस के चौदह। अब हम तेईस में सम चौदह घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब हम तेईस में सम चौदह माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, नौ बचेगा, नौ प्लस का आएगा। प्लस का क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस की संख्या हमारी बड़ी है, अगर यहाँ माइनस की संख्या बड़ी होती तब आंसर हमारा माइनस में आता। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हमारी दोनों संख्या कट रही है, अंश भी कट रही है, हर भी कट रही है, और दोनों संख्या किससे कट रही है, तीन से। इसको हम सरल संख्या बना लेंगे, तो तीन का भाग हम नौ में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, तीन बार। तीन का हम भाग हम चार बारह में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, चार बार। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा तीन बट्टे चार, हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस प्रकार हम भिन्न हल करते हैं। अब दोस्तों हमारी इस प्रकार ही भिन्न आया, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ संख्या हमारी क्या लगी है, दो बट्टे पाँच, तो दो दो बट्टे पाँच लिख लेंगे, और गुणा गुणा कितना लिखा है, सात बट्टे चार। पहले हम क्या करेंगे, जो चिन्ह हमारा भाग में दिया है इसको हम गुणा में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ चिन्ह हमारा क्या दिया है, गुणा में दिया है। तो जब हम बाकी चिन्ह को हम गुणा में चेंज करते हैं तो जो संख्या हमारी आती है वो पलट जाएगी। तो अभी संख्या हमारी क्या लिखी है, चौदह बट्टे सोलह लिखी है, इसको हम क्या लिख देंगे, सोलह बट्टे चौदह। तो यहाँ चिन्ह हम क्या कर देंगे, गुणा, गुणा करने पर ये संख्या हमारी पलट जाएगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सोलह बट्टे चौदह। तो भिन्न के गुणा में हम क्या करते हैं, अगर हमारी कोई संख्या कट रही है तो उसको हम काट लेते हैं, जैसे दो से चौदह कितनी बार कट रही है, सात बार, और सात से सात कट जाएगी। चार से सोलह कितनी बार कट रही है, चार बार। अब इसमें हमारी कोई संख्या नहीं कट रही है, तो ऊपर संख्या हमारी क्या बची है, चार, और नीचे संख्या हमारी क्या बची है, पाँच। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, चार बट्टे पाँच हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस प्रकार की भिन्नों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम गुणनखंड करना सीखें। गुणनखंड को इंग्लिश हम फैक्टर कहते हैं। तो हमारी संख्या दो से, इसका हमें गुणनखंड करना है, तो यहाँ संख्या लिखेंगे हम दो से, और इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें दो से भाग देंगे, क्योंकि ये दो से कट जाएगी। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमेशा अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो दो का भाग हम दो में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, एक बार। दो जीरो लिखी है तो दो जीरो लिख लेंगे। अब भी संख्या हमारी दो से कटेगी, तो दो का भाग हम दस में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, पांच बार। एक जीरो बची है तो एक जीरो यहां लिख देंगे। अब भी संख्या हमारी ये दो से ही कट जाएगी, दो का भाग हम पांच में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, दो बार, क्योंकि दो दुनी चार, पांच में हम चार कटाएंगे तो एक बचेगा, तो यह संख्या बन जाएगी दस। दो का भाग हम दस में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, पांच बार। क्या पच्चीस दो से कट जाएगी, नहीं कटेगी। तो पच्चीस में हम तीन से भाग देंगे तो क्या तीन से पच्चीस कटेगी, नहीं कटेगी। तो अब हम पांच से भाग देंगे, क्योंकि पांच से पच्चीस कट जाएगी। पांच का भाग हम पच्चीस में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, पांच बार। यहां पांच आइए तो पांच, पांच ही कटेगी, पांच एकम पांच। इन संख्याओं का हम गुणा करेंगे, दो दो के अंक हमारे कितने हैं, तीन, और पांच के दो, दुनी चार, चौदनी आठ, अड़पन चालीस, और चालीस पंजे दो सौ। तो इस प्रकार हम गुणनखंड हल करते हैं। अब इसके बाद सीखेंगे हम वर्गमूल। तो वर्गमूल को इंग्लिश हम स्क्वायर रूट कहते हैं। तो हमारी संख्या है 729, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 729 संख्या को लिख लेंगे, और इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 729 संख्या को चेक करेंगे, ये संख्या हमारी कैसे कट रही है। तो दूसरी संख्या हमारी कटेगी नहीं, क्योंकि इसके पीछे नौ संख्या है, विषम संख्या है।
तो हम 3 से चेक करेंगे तो यह संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। 3 का भाग हम 7 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 2 बात। एक शेषफल बचेगी तो संख्या बन जाएगी 12। 3 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 4 बार। और 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 3 बार। अभी संख्या ये हमारी 3 से ही कट जाएगी। 3 का भाग हम 24 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 8 बार। और 3 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 1 बार। अभी संख्या ये हमारी 3 से ही कटेगी। 3 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 2 बार। शेषफल बचेगी 2, संख्या बन जाएगी हमारी 21। 3 का भाग हम 21 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 7 बार। यह संख्या हमारी क्या आएगी, 27। 3 का भाग हम 27 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 9 बार। 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 3 बार। और 3 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 1 बार। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, दो संख्याओं का हम जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा हमारा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया। इनमें से हम एक एक संख्या उठा लेंगे, इसमें से हम 3 निकाल लेंगे, इसमें से 3, इसमें से 3। तो 3 अंक हमारे कितने आएंगे, 3 आएंगे। 3 × 3 × 3 इनका गुणा करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 3 × 9 × 9 = 27। तो 27 हमारा क्या रहेगा, वर्गमूल रहेगा। तो हमारी संख्या 729, इसका वर्गमूल कितना आया है, 27 आया है। तो इस प्रकार हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम घनमूल निकालना सीखेंगे। तो हम घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। हमारी संख्या 512 है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 512 के हम फैक्टर करेंगे। तो यह संख्या निकालेंगे 512। सम संख्या 2 से आसानी से कट जाएगी। 2 का भाग हम 5 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 2 बार। यह संख्या बन जाएगी 11। 2 का भाग हम 11 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 5 बार। यह संख्या बन जाएगी 12। 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 6 बार। अभी संख्या हमारी 2 से ही कट रही है। 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 1 बार। 2 का भाग हम 5 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 2 बार। यह संख्या बन जाएगी 16। 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 8 बार। अभी संख्या हमारी 2 से कट रही है। 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 6 बार। 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 4 बार। अभी संख्या हमारी 2 से कटेगी। 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 3 बार। 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 2 बार। 2 से कट जाएगी संख्या हमारी। 2 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 1 बार। संख्या बन जाएगी 12। 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 6 बार। 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 8 बार। 2 का भाग हम 8 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 4 बार। अब हम 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 2 बार। और 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 1 बार। घनमूल में हम क्या करते हैं, 3 संख्याओं का हम तर्क बनाते हैं। तो एक हमारा ए बन गया, एक हमारा ए बन गया, एक हमारा ए बन गया। इसमें से हम क्या करेंगे, एक एक संख्या उठा लेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे। तो 2 के अंक हम कितने लेंगे, 1, 2, 3। तो 2 × 2 × 2 इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 4 = 8। तो 8 हमारा क्या रहेगा, घनमूल रहेगा, घनमूल रहेगा। जो हमारी संख्या थी 512, इसका घनमूल कितना है, 8। अब दोस्तों हम भागविधि हल करना सीखेंगे। भागविधि को इंग्लिश हम डिवीजन मेथड कहते हैं। हमारी संख्या है 1225, इसका हमें भागविधि से वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम लिख लेंगे। तो संख्या क्या है हमारे, 1225। भागविधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक वर्ग याद होना जरूरी है। तो पहले हम क्या करें, जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा हमारा ए बन गया, एक जोड़ा हमारा ए बन गया। अब हम क्या करेंगे, यह संख्या हमारी क्या है, 12। तो अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 12 से ज़्यादा नहीं आ जाए। अगर हमें बराबर संख्या मिली तो उसको लिखते हैं। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। 16 संख्या हमारी 12 से बड़ी आएगी तो 16 को नहीं लिखेंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे, हम 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होता है, 9। तो जिस संख्या का हम वर्ग लिखते हैं उसको हम ऊपर लिखेंगे,
और उसी संख्या को हम दो बार लिख के हम जोड़ देंगे, तो तीन तीन कितना आएगा यहाँ छः आएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तीन बचेगा। इसमें हमेशा जोड़ा का तारा लेते हैं तो 25 आएगा यहाँ। अब हम इस संख्या को हमें लेके चलना है, अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे हमें 325 मिल जाए। तो दोस्तों जिस संख्या के वर्ग के पीछे 5 होगी वह संख्या हमें 5 देगी, तो 5 के वर्ग के पीछे क्या है 5, क्योंकि 5 का वर्ग क्या होता है 25। तो यह हम 5 यहाँ लिख लेंगे और 5 से हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 25 25 की 5 हासिल की। दो 5 गुणा हम 6 से करें तो 5 6 30 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32। हमें 325 की जरूरत थी, हमें 325 मिल गई, यहाँ लिखेंगे हम 325। इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, 325 कम लिए जब हमने 5 से गुणा किया है, तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ 5 दो बार लिखेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, 65 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितनी आएगी संख्या 70। तो जो संख्या थी हमारी 1225, इसका भागविधि से वर्गमूल कितना आया है 35 निकल के आया है। तो दोस्तों इस प्रकार हम भागविधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको दूंगा होमवर्क जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, और आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए उसके बारे में भी बताना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया है 30 25, इसका भागविधि से वर्गमूल निकालना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है 125, इसका आपको गुणनखंड करना है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है 4/5 - 3/7, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। इन तीनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।